हेलो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आप एमएससी जूलॉजी के सारे नोट्स के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 7999-7424-2498। आप मुझे पर्सनल व्हाट्सअप कर सकते हैं और टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गन्स ऑफ रेस्पायरेशन, गिल्स, लंग्स एंड ट्रेकिया के बारे में। तो हम यहाँ पे पहला गिल्स के बारे में बात करते हैं। गिल्स एक ऐसा रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स है जो वर्टिब्रेट एवं इनवर्टिब्रेट दोनों एनिमल्स ग्रुप में पाया जाता है। वर्टिब्रेट में यह फिशेज में, जबकि इनवर्टिब्रेट में यह स्ट्रक्चर मुख्यतः मोलस्कस एंड आर्थ्रोपोड्स में पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ गिल, इन पाइला की हम बात करें तो पाइला एक जली एवं वायवी दोनों टाइप से श्वसन करता है। दोनों टाइप के जो रेस्पायरेशन प्रोसेस होती है को संचालित करता है। उसको संचालित करने के लिए यह जलीय श्वसन हेतु गिल का जो है प्रयोग करता है और वायवी श्वसन हेतु एक पल्मोनरी सैक या लंग्स होता है। रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स की बात करें हम तो गिल्स यह जो है कॉम्ब के समान एक जो है मोनपेशी किनेट जो है गिल है, जो गिल कक्ष में जो लेफ्ट और पृष्ठ तल पार्श्व भित्ति से लटका होता है। इसके स्ट्रक्चर में एक लंबी अक्ष होती है जो है क्नेटिडियम एक्सिस कहलाती है और प्रवार वाल से जुड़ी रहती है। इस एक्सिस में एक जो है अफरेंट और एक इफरेंट ब्लड वेसल्स होती है, जो अफरेंट ब्लड वाहिका गिल में ऑक्सीकृत ब्लड लाती है, जो अफवाही वाहिका ऑक्सीकृत ब्लड को गिल से हार्ट में ले जाती है। इस एक्सिस पर जो है चपटी एवं त्रिभुजाकार पर्णकों की एक सीरीज होती है जिन्हें हम लैमेली कहते हैं। प्रत्येक पटलिका अपने चौड़े आधार द्वारा जो है टेटेनिडियम के एक्सिस से जुड़ी रहती है और क्लोम एक्सिस में लटकी रहती है। इसके दोनों जो है इंडिपेंडेंट जो टथ होते हैं असमान होते हैं और अपेक्षाकृत छोटे टथ पे जो है एफरेंट वाहिका में ब्लड एंटर करता है, अतः एफरेंट जो है साइट कहलाते हैं और दूसरे साइड को एफरेंट साइड कहते हैं। बिकॉज इससे जो है ब्लड डिफरेंट वाहिका में जाता है। इसके अतिरिक्त सभी पटलिकाएं समान परिणाम की नहीं होती हैं। मध्यवर्ती पटलिका जो होती है बड़ी होती है और मध्य में से दोनों सिरों की ओर इनका परिणाम धीरे धीरे घटता रहता है। प्रत्येक पटलिका के अग्र तथा पश्च तलों पर प्लेट्स होते हैं जिनमें ब्लड वेसल्स की ब्रांचेस होती है, जिनमें होकर ब्लड एफरेंट वाहिका से एफरेंट वाहिका में जो है इफ्रेंट वाहिका में प्रवाहित होता है। कैटेनेडियम जो होती है मैं बाईं ओर की जो है प्लूरल तथा सुप्रा इंटेस्टाइनल गुच्छिकाओं से तंत्रिकाएं फैली रहती हैं। इस टाइप में जो है कि नर्वस को आपूर्ति के लिए जो है ज्ञात होता है। वास्तव में जो है राइट और ऑर्गन जो डेवलपमेंट में ऐठन के अंतर्गत दाहिनी ओर आ गया है और औद्योगिक रूप से प्रत्येक पटलिका का स्ट्रक्चर में उपकला का दोहरा स्तर होता है जिनके बीच एक संकरी कैविटी होती है। प्रत्येक उपकल स्तर में जो है नॉन सिलिएटेड जो है कॉलमनर सेल्स और सिलिएटेड कॉलमनर सेल्स, इन स्तरों के बेस में जो है पर कनेक्टिव टिश्यू सेल्स एंड तिरछी मसल्स के तंतु होते हैं। इनके नीचे जो है पैलियल एपिथीलियम स्थित रहती है। मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन, तो एक्वेटिक रेस्पायरेशन जब घोंगा जल के अंदर तली पर जल के मध्य में तैरता या लटकता हुआ या जल के अंदर उगे पौधों से चिपका होता है तब जलीय श्वसन होता है। जलीय श्वसन के समय यह पूर्ण रूपेण प्रस्तावित होता है हो जाता है तथा सिर व पाद पूर्ण जो होते हैं वह पूर्ण रूप से फैले होते हैं। दोनों कंधरा पालियां नली के समान संरचनाएं बनाती हैं। बाईं पाली की नली द्वारा जल अंदर की ओर जो है प्रवेश करता है। अंदर प्रवेश करने वाली जलधारा जल लेक्षिका के नीचे से बहकर एपिटीनिया के ऊपर से पार करके फुफ्फुस कक्ष के पक्ष भाग में पहुंचती है, वहां से क्लोम कक्ष में प्रवेश करती है। एरियल रेस्पायरेशन, इस प्रकार का श्वसन जल के अंदर रहते हुए तथा जल के बाहर स्थल पर दोनों दशाओं में हो सकता है। जब जल के अंदर रहते हुए घोंगा जल की सतह के निकट आकार अपनी बाई कंधरा पाली को एक नली के समान संरचना बनाकर जल से बाहर निकाल देता है जिसे साइफन कहते हैं। साइफन जल की सतह से ऊपर निकला रहता है और इसके द्वारा वायु फुफ्फुस
छिद्र से होकर फुफ्फुस सेक में प्रवेश कर जाती है। हम स्ट्रक्चर ऑफ गिल इन प्रॉन की बात करें, तो प्रॉन जो होता है करेस्पायरेशन सिस्टम सुविकसित होता है तथा क्लोम वर्कों के अस्तर 3 जोड़ी अधिपदांश और 8 जोड़ी गिलों का बना होता है। ये सब ऑर्गन वक्ष के दोनों ओर बड़े तथा संकुचित गिल चैम्बर में सुरक्षित रहते हैं। प्रत्येक गिल चैम्बर अंदर की ओर एपिमिरोन द्वारा और बाहर की ओर जो है कार्पेस या ब्रांचियो स्थाइट द्वारा आवृत रहता है। गिल चैम्बर आगे नीचे और पीछे की दिशा में खुले रहते हैं। लाइनिंग दी ब्रांचियो स्टेट्स स्टेजिस्ट इसके अंदर की लाइनिंग पतली झिल्ली एंड अत्यंत वस्कुलर होती है, जिसमें छोटे छोटे ब्लड अवकाश होते हैं। दोनों आवश्यक आवरक जो होते हैं वो श्वसन सतहों का फॉर्मेशन करते हैं, जो वाटर में घुली O2 का ऑब्जॉर्प्शन कर लेती है तथा CO2 को बाहर त्याग देती है। एपिपोडाइट्स ये जो है हॉर्मल पत्ती के समान अत्यंत परिसंचरारी 3 जोड़ी अध्यावरणी उधर्व होते हैं, जो तीनों जोड़ी मैक्सिलिपिड्स के कक्षांग खंडों से निकले होते हैं और मैक्सिले के प्रभागों के नीचे गिल कोष्ठों के अग्रभाग में स्थापित दो जोड़ों के अधिपदांशों की अपेक्षा बड़े और द्विपाली होते हैं। ये भी आदि गिलों की भांति श्वसनांगों का कार्य करते हैं। गिल्स प्रत्येक गिल्स चैम्बर में 8 गिल्स होते हैं, परंतु गिल्स आवरण को हटाने पर केवल 7 गिल्स ही दिखाई देते हैं, बिकॉज 8वां गिल्स द्वितीय गिल्स के पृष्ठ पर छिपा रहता है। टाइप्स ऑफ गिल्स अपने उत्पत्ति एवं जुड़ने के स्थान के अनुसार गिल्स 3 टाइप्स के होते हैं। फूट गिल्स यह एक उपांग कक्षांग से जुड़ा रहता है और पैलेमोन में दोनों दूसरे जम्य पादपों के कक्षांग से एक एक पादप क्लोम जुड़ा रहता है। आर्थ्रो ब्रांच और जॉइंट गिल यह उपांग की बॉडी से जुड़ने के स्थान पर पाई जाने वाली आर्थोडियल मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। प्रत्येक तीसरे जम्य पादक जब पर जो होते हैं संधि क्लोम होते हैं और दूसरा संधि क्लोम पहले की अपेक्षा छोटा होता है और पहले के नीचे छिपा रहता है। ब्रांचियल फॉर्मूला की बात करें तो प्रॉन जो होता है कि प्रत्येक गिल्स कोष्ठ में श्वसनांगों के नंबर्स और उनकी स्थिति एक क्लोम सूत्र द्वारा निरूपित की जा सकती है। स्ट्रक्चर ऑफ गिल्स की बात करें हम तो गिल्स की आकृति लगभग हाशियाकार होती है, पीछे की ओर गिल्स परिणाम में धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, अतः प्रत्येक गिल्स अपने से अगले गिल की अपेक्षा बड़ा होता है। प्रत्येक गिल्स जो होते हैं वो मध्य में एक छोटे संयोजक गिल्स रूट द्वारा वक्ष से जुड़ा रहता है। इसे गिल्स रूट द्वारा वक्ष से जुड़ा रहता है इसे गिल्स रूट से होकर तंत्रिकाएं एवं ब्लड प्रणाल गिल के अंदर प्रवेश करते हैं एवं बाहर आते हैं। पैलिमोन के गिल पर्ण क्लोम होते हैं, जो एक पुस्तक के पन्नों की भांति गिल के लंबे एवं सकरे अक्ष के साथ समकोण पर जुड़ी रहती है। गिल प्लेटें जो होती है मध्य भाग में सबसे बड़ी और दोनों सिरों की ओर धीरे धीरे छोटी हो जाती हैं। अपसारी गिल प्लेटों की दोनों पंक्तियों के बीच एक गहरी मध्यवर्ती खांस होती है। हिस्टोलॉजिकल में एक गिल प्लेट सेल्स की एक परत की बनी होती है दिखाई देती है, जिसके दोनों तलों पर पतली क्यूटिकल होती है। परस्पर एकांतरित रूप से व्यवस्थित ये जो सेल्स हैं वर्णकित एवं पारदर्शी दोनों प्रकार की होती हैं। ब्लड सप्लाई इन गिल्स गिल्स आधार में एक सिरे से दूसरे सिरे तक 3 अनुदैर्ध्य रुधिर प्रणाली या प्रणाल होती है, जिनमें जो है 2 पार्श्वी तटों के साथ साथ दोनों होती हैं और पार्श्वी अनुदैर्ध्य चैनल कहलाती है। हम यहाँ पर डायग्राम की बात करें तो अब पैलिमोन का ये वाला डायग्राम आप यहाँ पे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये जो है पैलिमोन दोनों गिल कोष्ठों को स्पष्ट करता हुआ सिरोवक्ष का हाथ से काटा अनुप्रस्थ परिच्छेद का ये डायग्राम है, आप इस डायग्राम को अच्छे से बना लीजिएगा। इसमें तीसरा या मध्यवर्ती अनुदैर्ध्य चैनल मध्यवर्ती खांच के नीचे गिल आधार के शीर्ष भाग में होती है। दोनों पार्श्व चैनल अनुप्रस्थ संयोजकों द्वारा परस्पर जुड़ी रहती है और एक सीढ़ी के समान संरचना बन जाती है। पार्श्व चैनल से अपनी ओर की प्रत्येक गिल प्लेट में एक महीन सीमांत चैनल जाती है, जो उसके तत्व के साथ
होती हुई अंत में मध्यवर्ती अनुदैर्ध्य चैनल से मिल जाती है। ब्लड सर्कुलेशन इन ए गिल्स। शरीर से अशुद्ध रुधिर एक अभिवाही क्लोम नाल द्वारा गिल में आता है, जो गिल मूल में प्रवेश करके अपने सामने स्थित एक अनुप्रस्थ संयोजक में खुल जाता है। रुधिर पतले पहले जो होता है दोनों पार्श्व नालों में बहता है और फिर सीमांत पार्श्व नालों में जो है बहता हुआ मध्यवर्ती अनुदैर्ध्य नाल में पहुँचता है। इतना चलने में यह रुधिर ऑक्सीजनित होकर शुद्ध हो जाता है और मध्यवर्ती चैनल में यह शुद्ध रुधिर एक अपवाही क्लोम नाल द्वारा हृदयवरण में ले जाया जाता है। मैकेनिज्म और रेस्पिरेशन की बात करें तो प्रत्येक जंभिका का जो है इसके फोग्नेथाइड गिल कोष्ठ में अंदर आगे की ओर स्थित रहता है। यह अपनी निरंतर लहरदार गतियों द्वारा कोष्ठ के अगले खुले हुए सिरे से जल को बाहर प्रवाहित करता रहता है और जंभ पादपों के बही पारदांश स्केफोग्नेथाइडों के कार्य में सहायता करते हैं। गिल कोष्ठ के पिछले छोर में जो है स्वच्छ जल की धारा अंदर प्रवेश करती है। यह जलधारा क्लोम वर्कों के अंदर के आस्तर गिलों एवं अधिपादपों के ऊपर से होकर गुजरती रहती है। इन श्वसन अंगों में रुधिर की जो है आपूर्ति अधिक होने के कारण गैसों का आदान प्रदान हो जाता है और अत्यंत कोमल एवं पतली गिल प्लेट विसरण द्वारा गैसों के विनिमय में पारगम्य झिल्लियों की भांति कार्य करती है। जल में घुली O2 रुधिर में ले जाती है और रुधिर की CO2 जल में विकसित हो जाती है। लंग्स की हम बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ बुक लंग्स स्कॉर्पियन की बात करते हैं। यहाँ पे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम चार पेयर्स बुक लंग्स और पल्मोनरी सैक्स का बना होता है। तीसरे से छठे प्रत्येक मध्यकायी खंड में एक जोड़ी पुष्ट फुफ्फुस पाए जाते हैं। इन बुक लंग्स का निर्माण जो होता है वो अल्पवर्धित उपांगों के आधार पर क्यूटिकल के अंतर्वलनों द्वारा होता है। स्थलीय जो होते हैं एरिकनिडा प्राणियों की यह विशेषता है। प्रत्येक बुक लंग्स में दो भाग होते हैं, प्रारंभिक या अधर भाग, एक छोटी एवं संकुचित वायुगुहिका के रूप में होता है जिसे एट्रियल कोष्ठ कहते हैं। यह भाग में जो यह भाग होता है एक दरार के समान श्वास छिद्र स्टिग्मेटा द्वारा बाहर की वायु को वायु से संबंधित रहता है। श्वास छिद्र स्टर्नम की अधर पार्श्व सतह पर स्थित रहते हैं। फुफ्फुस के पृष्ठभाग या पल्मोनरी कोष्ठ में लगभग 150 ऊर्ध्वाधर वलन होती हैं जो परस्पर समांतर एक पुस्तक के पन्नों की भांति रहती है। प्रत्येक पटलिका या लेमिना एक खोखली संरचना होती है जो किनारों पर परस्पर जुड़ी रहती है। दो पतले क्यूटिकल स्तरों से बनती है। दो आसन पटलिकाओं के बीच एक पतला वायु अवकाश होता है जो एट्रियल कोष्ठ की छत पे दरार के समान बहुत से रेखिक छिद्र में होते हैं। एट्रियल कोष्ठ इन छिद्रों द्वारा अंतर पटली के वायु अवकाशों से जुड़ा रहता है। पटलिकाओं के आंतरिक अवकाश शरीर गुहिका के साथ संबंधित रहते हैं, अतः इनमें रुधिर भरा रहता है। ब्लड सप्लाई ऑफ बुक लंग्स। अधर कोटरों से अशुद्ध जो रुधिर होता है एक अंतप्रवत द्वारा प्रत्येक पुष्ट फुफ्फुस में भेजा जाता है जिससे यह पटलिकाओं में आधार की ओर से प्रवेश करता है और प्रत्येक पुष्ट फुफ्फुस की पटलिकाओं से यह पल्मोनरी वाइन द्वारा इकट्ठा किया जाता है जो ऊपर की ओर चलकर पेरिकार्डियम में खुल जाता है। मैकेनिज्म और रेस्पिरेशन की बात करें तो बुक लंग्स में वायु जो है अंदर का आना और बाहर निकलना पृष्ठ आधार पेशियों और एट्रियल पेशियों द्वारा नियंत्रित होता है। इन मांसपेशियों के संकुचित होने पर बुक लंग्स सिकुड़ जाते हैं और अंतर पटली के अवकाशों की वायु एट्रियल कोष्ठ में आ जाती है जहाँ से श्वास छिद्रों से होकर बाहर निकल जाती है। जब इन पेशियों में शिथिलन होता है तो पुष्ट फुफ्फुस अपना सामान्य रूप धारण कर लेते हैं जिससे श्वास छिद्रों से होकर शुद्ध वायु पहले आप ये डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पे स्कॉर्पियन का डायग्राम है ये, आप इस डायग्राम को अच्छी तरीके से बना लीजिएगा। ये जो है पहला जो है ए पार्ट जो है पुष्ट फुफ्फुस है, बी पार्ट जो है पुष्ट फुफ्फुस का उदग्र परिच्छेद है और सी नंबर का जो डायग्राम है वह है पुष्ट फुफ्फुस के उदग्र परिच्छेद के आरेख द्वारा श्वसन विधि का प्रदर्शन में आती है और जहाँ से ये श्वास छिद्रों से होकर बाहर निकल जाती है जब इन पेशियों में शिथिलन होता है तो बुक लंग्स अपना सामान्य रूप धारण कर लेते हैं जिससे श्वास छिद्रों से होकर वायु पहले एट्रियल कोष्ठ पर फिर अंतर पटली की अवकाशों की वायु
और अशुद्ध रुधिर के बीच गैसों का आदान प्रदान पटलिकाओं की पतली कलात्मक भित्तियों से होकर होता है। वायु की O2 से रुधिर ऑक्सीजनित होकर हो जाता है और रुधिर में मिली CO2 में आ जाता है। हम यहाँ ट्रेकिया की बात कर रहे हैं, तो रेस्पिरेशन ऑर्गन कॉकरोच की बात कर रहे हैं हम, तो तिलचड्डे में पाए जाने वाले अल्प विकसित रुधिर परिसंचारी तंत्र की कमी को पूरा करने हेतु श्वसन तंत्र सुरक्षित होता है। अन्य कीटों की भांति तिलचड्डे के श्वसन तंत्र में श्वास नालियाँ, श्वसन नलिकाएँ और श्वास रंध्र होते हैं। ट्रेकिया जो है अन्य किसी की भी कीट की भांति तिलचड्डे की रुधिर वाहिका में भी शाखित एवं बंद श्वसन नलियों का एक जाल पाया जाता है। इसमें बड़ी बड़ी समानांतर और अनुदैर्ध्य 3 जोड़ी श्वसन नली महावाहिनियों होती हैं, जिनमें एक जोड़ी पृष्ठीय, एक जोड़ी अधरी और एक जोड़ी पार्श्वीय होती है। यह महाधमनियाँ अनुप्रस्थ संधानियों द्वारा परस्पर जुड़ी रहती है एवं श्वास नलियों का निर्माण कर शरीर के बाहरी अध्यवरण के अंतर्वर्णों के रूप में होता है। अतः इनकी रचना में एक बाहरी उपकला भित्ति होती है जो अंदर की ओर काइटिनिक क्यूटिकल से आस्तरित हो रहती है। क्यूटिकल ही आस्तर सर्पिल रूप से मोटा होकर आंतरिक या सर्पिल मुख बनाता है जो श्वास नलियों को पिचकने से रुकता है। जब तिलचड्डे का जल के अंदर विच्छेदन किया जाता है तो वायु से भरी श्वास नलियाँ चमकीली दिखाई देती हैं। रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म की बात करें हम, तो उदर की पृष्ठ अधरिका पेशियों में बारी बारी से संकुचन एवं शीतलन होने से उदर में लयबद्ध संकुचन और प्रसारण उत्पन्न होता है। उदर की इन गतियों के कारण श्वसन नलियों के व्यास में परिवर्तन होता है, जिससे स्पाइरल रेकिल्स से होकर वायु श्वसन नलियों में प्रवेश करती है तथा बाहर निकलती है। पहली और तीसरी जोड़ी जो है स्पाइरेकिल सदा खुले रहते हैं, जबकि शेष 8 जोड़ी जो है केवल इंसिपिरेशन के समय ही खुलते हैं। श्वसन संबंधी ये गतियाँ कीट की सक्रियता और वातावरण के तापमान पर निर्भर करती है। पेशी क्रिया जो होती है जितनी अधिक होगी वह वायु के अंदर और बाहर रूपांतर करने की क्रिया भी उसी अनुपात में तेज हो जाएगी। श्वसन गतियों को जो वक्षी तंत्रिका होती है वह गुच्छिकाओं में होने वाली तंत्रिका केंद्रों द्वारा समन्वित एवं नियमित किया जाता है। ऊतकी द्रव्यों में CO2 का स्तर बढ़ने और O2 का स्तर घटने से ये तंत्रिका केंद्र उत्तेजित हो जाते हैं और श्वास नलियों में होने वाली वायु एवं रुधिर अथवा श्वास नलिका नलकीय द्रव में घुली गैसों के बीच सामान्य विसरण द्वारा गैसी आदान प्रदान होता है। कीट की विश्राम अवस्था में श्वास जो है नलिकाएं द्रव से भरी रहती हैं, अतः O2 धीरे धीरे शरीर की सेल्स एवं ऊतकों में विसरित होती है। इसके अलावा जब कीट की उपापचयी क्रियाओं में अधिकता होती है तो श्वसन नलिकाओं के चारों ओर के ऊतकों की सेल्स के परसरण दबाव में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण श्वास नलिकाएं का द्रव ऊतक की सेल्स में लौट जाता है और नलिकाओं में वायु भरी रह जाती है। इस प्रकार नलिकाओं की जो होती है भित्ति सतह O2 के अधिक सीधे संपर्क में आ जाती है, अतः आवश्यकता अनुसार नलिकाओं के चारों ओर ऊतकों में O2 की अधिक आपूर्ति होने लगती है। ऊतकों में प्रवेश करने वाली O2 द्वारा ऊर्जा से परिपूर्ण भोजन के अणुओं का ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है और CO2 तथा जल बनते हैं। कुछ CO2 जो है श्वसन नलियों में और रंध्रों द्वारा बाहर त्याग दी जाती है तथा CO2 का अधिकांश भाग शरीर के बाहरी क्यूटिकली आवरण द्वारा जो होता है बाहर निकाला जाता है। क्योंकि काइटिन से O2 की अपेक्षा CO2 अधिक तीव्र विसरित होती है। ग्रास हॉपर की बात करें हम, तो ट्रकिया की प्रत्येक श्वसनरंध्र अंदर की ओर एक छोटे कोष्ठ में खुलता है जिसे परिकोष्ठ कहते हैं। ये जो है पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना श्वसनी तंत्र पृष्ठ है। आप इस डायग्राम को अच्छे से बना लीजिएगा। यह परिकोष्ठ जो है आरटीएम महीन लचीली एवं एक्टोडर्मी श्वसन नलियों के जाल में खुलता है। श्वसन नलियों के इस जाल की शाखाएं शरीर के सब भागों में फैली रहती है।
के पृष्ठ अधर और पार्श्व भागों में मुख्य श्वसन नलियों अनुदैर्ध्य श्वास महावाहिनियों बनाती हैं। श्वसन श्वसन श्वास नलियों सल्की उपकला कोशिकाओं के केवल एक स्तर की बनी होती है, जिससे नलियों में अंदर की ओर एक क्यूटिकली स्तर का स्त्रवण होता है और जिसने निर्वोचन के साथ त्याग जाता है जिसमें है जिसमें निर्वोचन के साथ त्याग दिया जाता है। श्वसन नलियों की भित्तियाँ एक सर्पिल क्यूटिकली टीनिडिया द्वारा सशक्त रहती है और उन्हें पिचकने नहीं देती। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें और नोट्स के लिए संपर्क करें 7999 7449 7424 98। डिस्क्रिप्शन लिंक पे आपको मेरी टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी।